मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। जन आशीर्वाद यात्रा 9वें दिन भी पलवल से शुरू होकर हथीन पहुंची, जहां सीएम का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यात्रा शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री ने पलवल में लगभग 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भाइयों बहनों, हमने 5 साल के लिए अपना रोड मैप तैयार किया है, विजन तैयार किया है कि हर गांव में, हर शहर में जो आज तक कठिनाइयां बाकी बची हुई है, जो विकास के काम बाकी बचे हैं, उनको हम पूरा करेंगे। जैसे घर घर में रसोई गैस कनेक्शन पहुंचाया है, इसी तर्ज पर प्रदेश के हर घर की रसोई में पीने का स्वच्छ पानी अर्थात नल से जल, इस स्कीम के अंतर्गत कोई घर ऐसा नहीं रहने लगे जिसके रसोई में पीने का पानी न पहुंचे, सबको बनाएंगे। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए 9वें दिन पलवल से हथीन, होडल, कोन्हाना, फिरोजपुर, झिरका, नूह होते हुए सोहना जाएंगे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा 8 सितंबर को रोहतक में समाप्त होगी, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे और रैली को संबोधित करेंगे। R9 TV ब्यूरो रिपोर्ट।